अगस्त में अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखने के साथ ही अशोकनगर के साथ अब अशोकनगर जिले की तहसील मुंगावली में भी शुरू हुई। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए 1.25 किलो चांदी की शिला का निर्माण कराया था, जिसका आज सुबह राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव के द्वारा माता जानकी करीला धाम में पूजन किया गया और रामशिला रथ यात्रा को शुरू किया गया। इस रथ यात्रा का प्रतिदिन मुंगावली विधानसभा में गांव-गांव मंदिरों में पूजन किया जाएगा। आज श्री रामशिला करीला माता मंदिर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना कर दी गई। माता जानकी करीला से शुरू हुई इस शिला पूजन के कार्यक्रम में पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने श्री रामशिला ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना की। श्री रामशिला गाँव से गुजरते हुए कई मंदिरों पर पूजन अर्चन किया गया। इसी क्रम में शिला पूजन के प्रथम दिन करीला धाम से कानीखेड़ा में शिला का पूजन किया जाएगा, जिसके बाद शिला को पूजन के लिए जमुनिया, फुटेरा, पीपलखेड़ा, कई अन्य गांवों के शिला का पूजन किया जाएगा। राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि 500 साल से हमारे हिंदू समाज के लोग जो सपना देख रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन अब कई पीढ़ियों के बाद हमारा यह सपना पूरा हुआ है। सपना हम लगभग 500 वर्षों से देख रहे थे अयोध्या में राम मंदिर का, वो आज हमारा सपना पूरे देशवासियों का, हमारे हिंदू धर्म के लोगों का सबका सपना जो पूरा हुआ है। उसी के उद्देश्य से आज हमारे मुंगावली विधानसभा में हमारे सभी समाज के लोगों ने, सभी वर्ग के, सभी धर्मों के लोगों द्वारा, सभी के सहयोग से आज हम रामशिला जो यात्रा निकाल रहे हैं हमारे मुंगावली विधानसभा में। आज माँ जानकी के दरबार से हमने ये यात्रा प्रारंभ की है। तो ये शिला गांव-गांव जाएगी, हर गांव के मंदिर पर जाएगी और इसका आखिरी में समापन होगा हमारे अयोध्या में। ये केवल एक ही उद्देश्य है कि जो हम सपना 500 बरस से देख रहे थे राम मंदिर का, आज उसका निर्माण शुरू होने जा रहा है। और हम सब लोग चाहते हैं, हर देशवासी चाहता है, इसमें सभी का जो भी सहयोग बने, सबका सहयोग लगना चाहिए, सभी की इच्छा है। उसी सभी की इच्छा के अनुरूप हमने ये यात्रा प्रारंभ की है। उसमें सभी हमारे क्षेत्रवासियों का, सभी जिलेवासियों का सहयोग है। इसमें लगभग कितने दिन रहेगी ये यात्रा? मेरा तो मानना यहाँ तक है, मैं ये चाहता हूँ और मैंने सारे हमारे लोग चाहते हैं कि ये यात्रा जब तक पूरी विधानसभा का हर एक गाँव पूरा ना हो जाए तब तक ये यात्रा चलती रहेगी। ये यात्रा लगभग हमारे जैसे 350 गांव के लगभग हमारी विधानसभा में, चाहता हूं और सब लोग भी चाहते हैं ये पूरे गांव में, हर एक गांव में जाना चाहिए पूरी विधानसभा के। और जब पूरी गांव में घूमेगी इसके बाद में इसका समापन अयोध्या में जाता हूं। मुंगावली के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव के द्वारा श्री राम शिला की यात्रा निकाली जा रही है। यह शिला क्षेत्र के सभी गाँव एवं मंदिरों में पहुँचेगी, जहाँ कई गाँव में सुंदरकांड के साथ पूजन अर्चन होगा। राज्य मंत्री विजेंद्र सिंह यादव की यह पहल बहुत ही सराहनीय रहेगी, सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और श्री राम मंदिर निर्माण में अपने मुंगावली तहसील के सभी लोग सहभागी बने और स्वयं बने। देखने वाली बात यह होगी कि हमारे अशोकनगर जिले के पूर्व विधायक जजपाल सिंह जज्जी ने भी राम शिला की यात्रा, अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन किया गया था उसी दिन अशोकनगर के राम भक्तों ने एक अष्टधातु की शिला का निर्माण करवाया था और उसका भूमि पूजन राम मंदिर निर्माण के शुभ मुहूर्त के समय ही किया गया था। यह श्री राम शिला अशोकनगर के विभिन्न मंदिरों में स्थापित की गई थी और वहां पर जाकर सुंदरकांड के साथ पूजन अर्चन किया गया था। आम जन की भावना के अनुरूप यह संकल्प लिया गया था कि श्री राम शिला क्षेत्र के 108 मंदिरों में भ्रमण करेगी और हर मंदिर में सुंदरकांड पाठ के साथ पूजन अर्चन किया जाएगा और अभी तक अशोकनगर के विभिन्न मंदिरों में पाठ किया जा रहा है। पोस्टर न्यूज के लिए अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट।